हमने पहली जो विभाग था वो देख लिया था। अब नंबर दो पे जो अपना विभाग आता है वो खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग आता है। खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग। खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग की मात्र एक योजना है और उसका नाम है 1 रुपए किलो में गेहूं। योजना क्या है? योजना एक है और उसका नाम क्या है? 1 रुपए किलो में गेहूं। 1 रुपए किलो में गेहूं, 1 रुपए किलो में गेहूं, ठीक है। इस योजना का नाम है 1 रुपए किलो में गेहूं और ये 1 मार्च 2019 से शुरू हुई थी। शुरू कब हुई थी? 1 मार्च 2019 से। 1 मार्च 2019 से ये शुरू हुई थी। अब इसके अंदर बातें आती हैं इसकी, कि इसके अंदर खास खास बातें क्या हैं। पहली बात तो ये है कि पात्र कौन है। पात्रता जो बीपीएल है, बिलो पॉवर्टी लाइन से नीचे है, और एपीएल है, राज्य एपीएल, राज्य के एपीएल, ये इसके क्या है? पात्र हैं। बीपीएल और राज्य के जो एपीएल हैं वो इसके पात्र हैं। दूसरी बात, ये कहाँ मिलता है? उचित मूल्य की दुकान पर मिलता है, उचित मूल्य की दुकान पर, उचित मूल्य की दुकान पर ये जो 1 रुपए किलो के अंदर जो गेहूं है वो मिलेगा। कब मिलेगा? प्रत्येक माह में, प्रत्येक माह में 15 से 20 तारीख, 15 से 20 तारीख को प्रत्येक माह के अंदर उचित मूल्य की दुकान के ऊपर क्या मिलेगा? 1 रुपए किलो के अंदर गेहूं मिलेगा, ठीक है। अब क्या होता है कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 का जो आया था, इसके अंदर भारत सरकार जो दे रही है वो 2 रुपए किलो के अंदर दे रही है। अब क्या होता है कि राज्य इसको कितने में खरीद रहा है? 2 रुपए में खरीद रहा है, लेकिन वापस अपने लोगों को कितने में दे रहा है? 1 रुपए किलो के अंदर दे रहा है। मतलब 1 रुपया स्टेट गवर्नमेंट इसके अंदर और भर रही है, ठीक है। अब इसके अंदर एक चीजें और आती हैं कि एक तो होता है बीपीएल परिवार और स्टेट बीपीएल परिवार, इसको अंदर कितना क्या और क्या नहीं दिया जा रहा है वो 5 किलो प्रति सदस्य प्रति महीना दिया जाएगा। 5 केजी गेहूं प्रति सदस्य और प्रति महीना 1 रुपए किलो के हिसाब से दिया जा रहा है, ठीक है। और अंत्योदय में, अंत्योदय योजना में, अंत्योदय योजना के अंदर 35 किलो गेहूं दिया जा रहा है, 35 केजी गेहूं किसको? प्रति कार्ड, प्रति राशन कार्ड, प्रति राशन कार्ड, राशन कार्ड प्रति महीना, ठीक है। ये योजना अपनी कंप्लीट हुई। शुरू, बस थोड़ा ध्यान रखना, शुरू हुई थी 1 मार्च 2019 को। बीपीएल और राज्य के जो एपीएल हैं वो होंगे, उचित मूल्य की दुकान पे मिलेगा, प्रत्येक माह की 15 से 20 तारीख के अंदर ये राशन आपको मिलेगा, और 5 रुपए किलो गेहूं सदस्य और प्रति महीना होगा। अंत्योदय योजना में 35 किलो गेहूं मिलता है, प्रति राशन कार्ड प्रति महीना मिलता है, ठीक है। अपने दो विभाग देख लिए। अब विभाग नंबर 3 पे आता है स्कूल शिक्षा विभाग। स्कूल शिक्षा विभाग, ये आपको विभाग का नाम पूछ सकते हैं एग्जाम के अंदर, बहुत अच्छा चीज है। मैच करना भी दे सकते हैं, डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं, इसलिए विभाग का हर जगह नाम लिखा जा रहा है। स्कूल शिक्षा विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग के अंदर महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यमिक विद्यालय, उच्च माध्यमिक विद्यालय। तो योजना कौन सी है? योजना क्या नाम है? महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय स्कूल, महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल। ये रीट वालों के लिए भी आ सकता है और सेकंड ग्रेड के लिए तो काफी इंपॉर्टेंट है। महात्मा गांधी स्कूल, महात्मा गांधी, ये शुरू कब हुई थी? 1 जुलाई 2019 को। शुरू कब हुई थी? 1 जुलाई 2019 को। आप सारी योजनाओं की डेट देखोगे एक साथ मिला के तो बहुत जल्दी याद हो जाएंगे, क्योंकि लगभग या तो 1 तारीख को स्टार्ट हुई थी, या 13 तारीख को, या 18 तारीख को, ठीक है। तो शुरू 1 जुलाई 2019 को शुरू हुई थी।
और ये जो है पहले क्या हुआ था, जो चालू हुई थी कि 33 स्कूलें शुरू हुई थी, हर जिले में एक एक बोली गई थी, हर जिले में एक-एक इंग्लिश मीडियम स्कूल होगी, ठीक है, शुरू 33 जिलों के अंदर हुई थी, हर जिले में एक-एक 33 जो जिले हैं उनमें 33 स्कूलें होंगी, और ये कक्षा एक से लेके 12 तक स्कूल हैं, ठीक है, कक्षा एक से लेके 12 तक स्कूल हैं। और इसका जो उद्देश्य था, मोटिव था, उद्देश्य क्या था, उद्देश्य इसका जो उद्देश्य था यही था कि राज्य में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देना, राज्य में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देना, राज्य में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देना। अब इसकी एक बात और आती है कि ये पहली स्कूल कहाँ खुली थी, पहली स्कूल ये अपने मानसरोवर जयपुर में खुली थी, पहली स्कूल कहाँ थी, मानसरोवर जयपुर में, याद रखना ये अच्छी चीज है, पहली स्कूल जयपुर में खुली थी। वर्तमान में कितनी स्कूल है, वर्तमान में स्कूल है 749 स्कूल, ठीक है, ये आंकड़ा भी ध्यान रखना। इसके अलावा इसमें और क्या चीज है, बजट के अंदर क्या दिया गया है, बजट बजट 2021 के अंदर तो एक बात दी गई थी कि 5000 से आबादी अधिक वाले क्षेत्र हैं, जिनकी आबादी 5000 से अधिक है वहां 1200 स्कूल खुलेंगे, ठीक है। 2022 के बजट में क्या दिया गया है, दिया गया है कि 1000 स्कूल ग्रामीण क्षेत्र में होंगे और 1000 स्कूल शहरी क्षेत्र में होंगे, ठीक है, ये इसका पूरा ब्यौरा है कि महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यमिक स्कूल जो शुरू हुआ था वो 1 जुलाई 2019 से शुरू हुआ, 33 जिलों के अंदर पहले शुरू हुआ था, हर जिले में एक-एक मॉडल तौर पे चालू किया गया था, कक्षा एक से लेकर कक्षा 12 तक ये चालू है। राज्य इसका मोटिव क्या है, उद्देश्य क्या है कि राज्य के अंदर शिक्षा जो है वो गुणवत्तापूर्ण टेक्निकल या आधुनिक जमाने के साथ रिलेटिव शिक्षा होनी चाहिए। पहली स्कूल मानसरोवर जयपुर के अंदर खुला था, अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। वर्तमान समय के अंदर 749 स्कूल कार्यरत हैं, और क्योंकि ये बढ़ती रहती है आगे तो बढ़ेंगी बढ़ेंगी, तो जितना लेटेस्ट पढ़ोगे उतना, लेकिन वर्तमान अभी तक का ये डाटा है। और 5000 से अधिक स्कूल, 5000 से ज्यादा आबादी वाले स्कूल के अंदर 1200 होंगे, और 2022 के बजट में बोला गया है कि 1000 स्कूल ग्रामीण क्षेत्रों में खुलेंगे और 1000 स्कूल शहरी क्षेत्रों में, मतलब टोटल 3200 स्कूलें खुलेंगी। तो ये डाटा भी है कि कितनी स्कूलें प्रस्तावित हैं या खुलने का विचार है, तो 3200 स्कूलें महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यमिक स्कूल से खुलेंगे, ठीक है दोस्तों। थोड़ा समय की कमी है तो देख लो, सामाजिक चौथा विभाग अपना आता है, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, इसकी 6 फ्लैगशिप योजनाएं चलती हैं, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की 6 फ्लैगशिप योजनाएं हैं। पहली है मुख्यमंत्री कन्यादान हथलेवा योजना। मुख्यमंत्री कन्यादान हथलेवा योजना जो है ये कब शुरू हुई थी अपनी, मार्च 2020 को, मुख्यमंत्री कन्यादान हथलेवा योजना शुरू हुई थी मार्च 2020 को ये शुरू हुई थी, ठीक है। अब इस जो योजना है इसका नाम पहले अनुदान योजना था, पहले क्या नाम था इसका, पहले अनुदान योजना था, अनुदान योजना, ठीक है, ये 1997-98 की है, 1997-98 में शुरू हुई थी, पहले इसका नाम था अनुदान योजना, ठीक है। इसमें क्या होता था, जो पहले इसका नाम क्या था, अनुदान योजना, ये 1997-98 में चली थी, और ये विधवा महिला उसकी पुत्रियों की शादी के लिए चली थी। विधवा महिला कौन थी, आर्थिक कमजोर, आर्थिक तौर पे जो कमजोर महिलाएं थी, विधवा महिलाएं थी, उनके लिए ये पहले अनुदान योजना के नाम से 1997-98 में शुरू हुई थी। उसके बाद क्या हुआ, 2005 में इसमें बीपीएल परिवार और जोड़ दिया गया, 2005 में क्या जोड़ दिया गया, बीपीएल परिवार जोड़ दिया, ठीक है, 2005 में इसके अंदर बीपीएल परिवार जोड़ दिया गया। अब 2016-17 के अंदर सहयोग एवं उपहार योजना इसका नाम कर दिया गया,
2016-17 में सहयोग योजना एवं उपहार योजना, उपहार सहयोग योजना एवं उपहार 2016-17 के अंदर इसका नाम कर दिया गया। ठीक है, अब सहयोग योजना एवं उपहार योजना का मार्च 2020 के अंदर नाम क्या कर दिया, मुख्यमंत्री कन्यादान हथलेवा योजना। मुख्यमंत्री कन्यादान हथलेवा योजना जो है वो पुत्रियों की शादी के ऊपर कुछ आर्थिक मदद मिलती है, और वो केवल दो पुत्रियों की शादी में मिलेगा, यदि जिनके पांच पुत्रियां हैं और जो एलिजिबल है तो उनकी केवल दो बेटियों को ही मिलेगा, पांचों को नहीं मिलेगा। इसके अंदर पात्र किसको रखा गया, अल्पसंख्यक को रखा गया, एससी एसटी और बीपीएल, इसको अल्पसंख्यक एससी एसटी और बीपीएल जो परिवार हैं उनके 31,000 रुपए लड़की की शादी के ऊपर दिए जाएंगे सरकार की आर्थिक। यदि लड़की दसवीं पास है तो उसको 10,000 रुपए दिए जाएंगे, और यदि लड़की स्नातक है, यदि लड़की दसवीं पास है तो 10,000 रुपए दिए जाएंगे, और यदि लड़की स्नातक है तो उसको 10,000 रुपए और दिए जाएंगे। ऐसे ही जो ये आपका है दूसरे नंबर पे किनको पात्र माना गया है, विशेष योग्य जन को माना गया है, जो विकलांग टाइप के होते हैं, सभी वर्ग के बीपीएल परिवार हो गए, आस्था कार्ड जो धारक होते हैं आस्था कार्ड वाले हो गए, और विधवा जो आर्थिक कमजोर है, आर्थिक दृष्टि से कमजोर हैं, इनके लिए शुरू हुई थी एक्चुअली ये जो योजना थी, ये शुरू ही विधवा की बेटियों की शादी के लिए ही हुई थी। तो इसमें ये 21,000 रुपए की सहयोग राशि है, यदि लड़की दसवीं पास है 10,000 रुपए, स्नातक है तो 10,000 रुपए उसको और मिलेंगे। महिला खिलाड़ी, महिला आज अब ये नया जोड़ा गया है महिला खिलाड़ी को, महिला खिलाड़ी और पालनहार। पालनहार जो योजना थी वो अपनी 2004-05 से चली आ रही है, पालनहार जो योजना थी वो अपनी 2004-05 से चली आ रही है। इसके अंदर 21,000 रुपए दिए जाते हैं, 21,000 रुपए दिए जा रहे हैं, 10,000 यदि वो 10th पास है, और यदि वो ग्रेजुएशन है कॉलेज कर रखी है तो उसको 10,000 रुपए और मिलेंगे। सहयोग राशि जो होती है वो कैसे मिलेगी, शादी से पहले मिल जाएगी 50%, और 50% जो राशि है वो शादी के बाद में डायरेक्ट डीबीटी में आ जाएगी। ठीक है, 15 विभागों में से अपन ने देख लिए थे 3 विभाग, ये चौथा जो चौथा विभाग है, चौथे विभाग के अंदर 6 योजनाएं हैं, फ्लेक्सिप योजना है, इसमें दूसरी योजना है सिलिकोसिस पॉलिसी जो 2019 के अंदर सिलिकोसिस नीति बनी थी। ये शुरू कब हुई थी, 3 अक्टूबर 2019 को, 3 अक्टूबर, 2 अक्टूबर को क्या आती है गांधी जयंती, उसके एक दिन बाद में, गांधी जयंती के एक दिन बाद में ये अपने जयपुर से शुरू हुई थी, जो गहलोत साहब हैं सीएम साहब उन्होंने इसको चालू की थी। ये पहली नीति जारी करने वाला, सिलिकोसिस की पहली नीति जारी करने वाला हरियाणा फर्स्ट है, हरियाणा फर्स्ट है, और राजस्थान अपना क्या है सेकंड है। सिलिकोसिस नीति जो पहली, ये पूछा जा सकता है कि सिलिकोसिस नीति राजस्थान पहला राज्य है, कोटेशन भी दे सकते हैं, तो वो गलत होगी, हरियाणा पहला राज्य है और राजस्थान सिलिकोसिस नीति जारी करने वाला दूसरा राज्य है। अब सिलिकोसिस का उद्देश्य क्या था कि राज्य के अंदर जो सिलिकोसिस रोग से रोगियों की पहचान करना, जो आसपास की क्रेशर है अब माइंस है उसके पास काम कर रहे हैं, जो एरिया है वो 2 किलोमीटर का लिया गया कि 2 किलोमीटर में रहने वाले लोग भी सिलिकोसिस नीति का फायदा उठा सकते हैं, उनका पुनर्वास करना, और ये जो रोग होता है सिलिकोसिस रोग, इस रोग की रोकथाम करना और इस रोग से बचाना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। लाभ किसको मिलेगा, केवल राजस्थान का निवासी हो, ऐसा नहीं कि भारत का नागरिक हो, केवल राजस्थान का निवासी हो उसी को इस नीति का लाभ मिलेगा। पीड़ित को, यदि पीड़ित जीवित है, यदि वो जीवित है, जीवित है तो उसको 3 लाख की आर्थिक सहायता मिलेगी पुनर्वास के लिए, कि वो कहीं दूसरी जगह जाके अपने मकान बना ले, रहना सहना स्टार्ट कर दे, रिटायरमेंट के बाद कहीं और काम कर ले प्राइवेट, इसको छोड़ के जीवित रहने तक पेंशन मिलेगी उसको, जब तक वो जीवित रहेगा तब तक पेंशन मिलेगी। अगर यदि ये पीड़ित व्यक्ति मर जाता है तो मरने के बाद क्या होगा, 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता किसको मिलेगी, उसके परिजनों को मिलेगी, और 10,000 रुपए का उसको अंतिम संस्कार के लिए, अंतिम संस्कार के लिए 10,000 रुपए के आर्थिक मदद जो है वो अलग से मिलेगी। बच्चों को पालनहार योजना का पूरा लाभ मिलेगा, पालनहार योजना जो अपन आगे देखेंगे, ये भी एक फ्लेक्सिप योजना है, पालनहार योजना जो है वो भी एक फ्लेक्सिप योजना, बच्चों को पालनहार योजना का लाभ मिलेगा, बीपीएल और नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट का लाभ उसको मिलेगा, अंत्योदय वगैरह का, और आयुष्मान भारत और मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, अपने को पता है कि इन दोनों को एक कर दिया गया है, तो ये
यदि जिनका एक नहीं हुआ या अलग अलग हुआ, तो आयुष्मान भारत और मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना को मिला दिया गया। अब ये सिलिकोसिस नीति वाला जो एरिया कौन सा माना गया है, इसमें माना गया है खनन का कार्य करते हो, खान वगैरह हो, माइंस हो, जहां से हल्की डस्ट निकलती हो और वो आदमी के फेफड़ों के अंदर जिम जाती हो। पत्थर तराशी का जो मूर्ति वगैरह मूर्तिकला का काम होता है, मार्बल वगैरह जो भी पत्थर निकाली जाती है, राजस्थान में तो पत्थर होता भी वैसे, जो कीमती पत्थर है या फिर जो नॉर्मल भवन निर्माण के जो पत्थर हैं वो ज्यादा होते हैं। करेसर, करेसर ये पत्थर की जो गिट्टियां तोड़ तोड़ के छोटी छोटी गिट्टियां बनाते हैं वो। इसके 2 किलोमीटर दायरे में रहने वाले लोग, यदि करेसर की माइन लगी हुई है तो माइन वालों को नहीं, उसके 2 किलोमीटर के दायरे में, 2 किलोमीटर के सर्किल के अंदर रहने वाले सभी लोगों को इस नीति में फायदा होगा। ये लेटेस्ट चीज है, ये इंपॉर्टेंट है। वैसे मैं इंपॉर्टेंट वहीं लग जाता है जहां पेंटिक हो जाता है, लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि 5 मई 2022 को नवीन सिलिकोसिस पोर्टल जारी किया था। अपना नया सिलिकोसिस पोर्टल है वो 2022 का शुभारंभ किया था। ठीक है, हो गया अपना ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। ठीक है, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की 6 फ्लैगशिप योजनाएं, उसके अंदर 3 नंबर की है मुख्यमंत्री एकल नारी समान पेंशन योजना। मुख्यमंत्री एकल नारी समान पेंशन योजना, एकली नारी अपना जो, ये शुरू कब हुई थी, 1 जुलाई को। देखो डेट याद करने का सीधा सा फॉर्मूला है, एक पन्ने के अंदर पूरी योजनाएं लिख दो, उनकी डेट लिख दो, उनमें सारी चीजें सिमिलर मिलेंगी आपको। ये 1 जुलाई की बात कर रहा है, कहीं 1 मई की बात आएगी, कभी 1 सितंबर की बात आएगी, तो आपको कंफ्यूज नहीं होगा, बार बार देखने से कोई भी चीज है वो अच्छी तैयार हो जाती है। 1 जुलाई 2017 से, वैसे तो ये 2013 से मानते हैं कि चली आ रही थी। उधर से क्या है कि जो अकेली महिलाएं जो होती हैं, वो महिलाएं जो उनको सामाजिक सुरक्षा देना, क्योंकि थोड़ी बहुत पेंशन देंगे तो सामाजिक सुरक्षा होगी और उनका गरिमापूर्ण जीवन, अच्छा मतलब एक गर्व से जीवन देना, गरिमापूर्ण जीवन व्यतीत करने में उनकी मदद करना, ये इसका उद्देश्य। उद्देश्य क्या हुआ, अकेली जो जीवन यापन करने वाली महिलाएं उनको सामाजिक सुरक्षा देना और उनका गर्व से जीवन व्यतीत करने में मदद करना। ठीक है, अब आती है बात लाभार्थी कौन होंगे। लाभार्थी 18 वर्ष से टोटल एज की महिलाएं होंगी। अब महिलाएं इसके अंदर जो कैटेगरी दी गई है वो 3 टाइप की महिलाएं दी गई है, एक तो विधवा महिला की कैटेगरी दे दी, एक तलाकशुदा की कैटेगरी दे दी, और एक छोड़ी गई जो महिला होती है परित्यक्ता उनकी कैटेगरी दे दी। अब इसकी 4 श्रेणियां बनाई, एक एक चीज और दी गई है इसमें, लाभार्थी कौन होगी, पात्रता कौन होगी। एक तो 18 वर्ष से अधिक आयु की महिलाएं होंगी, महिलाएं 3 है, विधवा, तलाकशुदा और परित्यक्ता। अब बात आती है कि इसके अंदर वार्षिक आय, परिवार की जो वार्षिक आय है, परिवार की जो वार्षिक आय है वो 48,000 रुपए से ऊपर भी नहीं होनी चाहिए। तो ये तो क्राइटेरिया इसके अंदर रखा गया, 18 साल से ऊपर की हो और 48 साल से हो, विधवा हो, तलाकशुदा हो और परित्यक्ता हो। अब इसमें 4 श्रेणी दी गई है पेंशन की, 4 श्रेणी जो दी गई है उसमें 18 से 55 साल की श्रेणी एक की, 18 से 55 जो है उसके अंदर 500 रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा। दूसरी है 55 से 60 एज की, उसके अंदर 250 रुपये हर जगह, इसमें 250 रुपये बढ़ा के 750 रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा। अब जो 60 से 75 तक की एज जो है उसको उसको 1,000 रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा, और जो नंबर 4 जो श्रेणी है वो 75 साल से अधिक की है तो उसको कितना दिया जाएगा, प्रतिमाह 1,500 रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा। तीसरी योजना थी मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना जो थी, वो भी सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की थी। 6 योजनाएं हैं इसमें टोटल, विभाग आप जानते हो 15 विभागों की 28 योजनाएं हैं। फ्लैगशिप योजना राजस्थान सरकार, केंद्र सरकार की भी फ्लैगशिप योजनाएं होती है। डिजिटल इंडिया क्या कि इसमें अधिकतम लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य, उसकी पारिवारिक जो सामाजिक कुछ कैपेसिटी हो वो, ये सारी जो योजनाएं होती हैं उनको फ्लैगशिप योजना बोला जाता है। अब नंबर 4 पे आती है अपने मुख्यमंत्री वर्धजन समान पेंशन योजना। वर्धजन किसको माना गया है, सीनियर सिटीजन को। सीनियर सिटीजन में महिला 55 साल से ऊपर की और पुरुष जो है उसको 58 साल, क्योंकि 3 साल का वो शादी का गैप होता है, 18-21 का वही गैप यहाँ पे बना के रखा है गवर्नमेंट ने। इसमें लाभार्थी 2 टाइप के होंगे, एक तो वर्ध या वरिष्ठ नागरिक होंगे। तो वरिष्ठ नागरिक में महिला, वरिष्ठ नागरिक की एज महिला की 55 साल से ऊपर मानी गई है और पुरुष की 58 साल से ऊपर मानी गई है। पहले 60 साल हुआ करती थी,
ठीक है, पारिवारिक आय जो है वार्षिक वो 48,000 रुपए से कम हो, जिनकी पारिवारिक आय जो है वार्षिक आय, ये होती है वार्षिक आय, वार्षिक आय 48,000 रुपए से कम हो। इसके अंदर दो श्रेणी रखी गई है, देखो महिला और पुरुष ये श्रेणी नहीं है, श्रेणी ये है कि कितने पैसे किन किन को दिए जा रहे हैं। इसके अंदर महिला और पुरुष वही 55 वर्ष, पुरुष 58 वर्ष अधिक है और 75 से कम है, अधिक और 75 से कम, 75 साल या उससे कम, 75 से कम है, उनको 750 रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जाएगी। और जो दोनों की एज यदि 75 साल से ऊपर हो रही है तो उनको प्रतिमाह 1,000 रुपये की पेंशन दी जाएगी। अब इस विभाग की सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग है, उसकी 5वीं योजना अपन देखते हैं, मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन समान पेंशन योजना। मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन समान पेंशन योजना में विशेष योग्यजन किसको माना गया है, जो 40% से अधिक निःशक्त हो। ठीक है, अब ये शुरू कब हुई थी, इसकी शुरू की जुलाई जो थी वो 1 जुलाई 2017 को हुई थी, लेकिन इससे पहले ये 2013 में शुरू हो गई थी। ठीक है, उसके बाद ये चेंज होती रहती है, सरकार बनती है बीजेपी की आती है तो कांग्रेस की हटा देती है अपनी चला देती है, और कांग्रेस आती है तो बीजेपी की हटा देती है अपनी चला देती है। ठीक है, पात्रता इसमें जो वही होगा जो 40% से अधिक निःशक्त होगा, 40% से अधिक निःशक्त के अंदर अलग से किसको जोड़ा गया, बोने को जोड़ा गया, बोना उसको माना जाता है जो 3 फीट 6 इंच से छोटा हो, हिजड़ा जो है उसको भी इसी कैटेगरी के अंदर पात्र माना गया है। ठीक है, अब दूसरी बात मानी गई है कि जिसकी वार्षिक आय जो है वो 48,000 रुपए से कम होनी चाहिए, पुरुष जो है वो 58 साल का, अपने देखा था वर्जन योजना में भी, तो इसके अंदर भी क्या हो गया, पुरुष 58 साल से कम और महिला 55 साल से कम है तो 750 रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जाएगी। यदि कम, ध्यान रखना उसमें ज्यादा है और इसमें कम है, तो जो एज है वो 58 साल से कम है और महिला की 55 साल से कम है, उसको प्रतिमाह 750 रुपये पेंशन मिलेगी। और जो 55 वर्ष से अधिक महिला और 58 वर्ष से अधिक पुरुष है और 75 वर्ष तक है तो उसको 1,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जाएगी। और यदि 75 वर्ष से दोनों मेल और फीमेल दोनों अधिक हैं तो उनको 1,250 रुपये, ये डाटा जरूर याद रखना, 1,250, 1,000 रुपये, 1,500 रुपये, ये कंफ्यूज करने के डाटा है, तो इनको एक साइड में छोटे से पेज पे राइट करोगे आप तो बहुत अच्छा तैयार हो जाएगा। इसमें और क्या दिया गया है, विशेष योग्यजन की श्रेणी कितनी है, 21 श्रेणी है, ये क्वेश्चन आ सकता है, थोड़ा सा ध्यान रखना विशेष। और इनको आरक्षण जो कितना, पहले 3% था, कितना कर दिया गया, इसका 4% आरक्षण कर दिया गया। सिलिकोसिस और कुष्ठ रोगी जो हैं वो किसी भी एज के हों, उनकी जो प्रतिमा पेंशन होगी वो 1,500 रुपये प्रतिमा आजीवन मिलती रहेगी। ठीक है, अपनी जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की 6ठी योजना है, 6ठी योजना है पालनहार योजना। पालनहार योजना 2004 और 2005 के बजट के अंदर डिक्लेयर की गई थी, फिर ये 8 फरवरी 2000, ध्यान रखना 8 फरवरी 2005 को ये शुरू की गई थी, 8 फरवरी 2005 को शुरू की गई। उद्देश्य क्या था कि अनाथ बच्चे थे उनकी आर्थिक मदद करना, अनाथ बच्चों की आर्थिक मदद करना। पहले ये केवल शेड्यूल कास्ट के लिए चालू हुई थी, अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जाति के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए, अनुसूचित जाति के लिए हुई थी, बाद में इसको सभी वर्गों के लिए लागू कर दिया गया। इसका पात्र कौन होगा, अनाथ जो अनाथ हो गए उनके बच्चे जो होंगे, जो जिनके माता पिता जिनकी खत्म हो जाते हैं वो बच्चे होंगे, लेकिन वो कितनी एज से होंगे, वो 0 से लेके 18 साल की एज के ही पात्र होंगे, उम्र के ही पात्र होंगे। ठीक है, इसमें पात्रता 0 से 18 साल रखी गई है। माता की मृत्यु हो जाती है और पिता को आजीवन कारावास हो जाता है, या पिता की मृत्यु हो जाती है माता को आजीवन कारावास हो जाता है, कुष्ठ रोगी हैं, एचआईवी पीड़ित जो रोगी हैं उनके बच्चे, जो माता पिता हैं उनके बच्चे इसी में आएंगे। विधवा, तलाकशुदा और विशेष योग्यजन, विधवा के बच्चे, तलाकशुदा के बच्चे और विशेष योग्यजन के बच्चे इसके अंदर आएंगे। ठीक है, अब बजट 2023 के अंदर, ये इंपॉर्टेंट है भाई, इंपॉर्टेंट है, बजट 2022-23 के अंदर 0 से 6 वर्ष का, जो 6 वर्ष तक का जो बच्चा था वो आंगनबाड़ी जाएगा, आंगनबाड़ी जाएगा तो उसको पहले 500 रुपये प्रतिमाह दिया जाता था,
प्रतिमा दिया जाता था, और अब 1500 रुपए प्रतिमा। मतलब पूछ लिया जाएगा कि 0 से 6 वर्ग के अंदर जो पैसे दिए जाते थे प्रतिमा, उसमें कितनी वृद्धि हुई है, तो वृद्धि कितनी हुई है, 1000 रुपए की वृद्धि हुई है। वही 1000 रुपए की वृद्धि 6 से 18 वर्ष का बच्चा विद्यालय जाने लग जाएगा, और जो स्कूल जाएगा तो उसको पहले 1500 रुपए मिलते थे, और वर्तमान समय के अंदर उसको 2022-23 के बजट में कितने कर दिए, 2500 कर दिए, 1000 रुपए बढ़ा दिए गए। वस्त्र, जूते, स्वेटर और अन्य जरूरी सामान जिसको लेना है तो उसके लिए उसको 2000 रुपए प्रतिवर्ष दिए जाएंगे। ये तो प्रतिमाह दिए जाएंगे और ये प्रतिवर्ष दिए जाएंगे। ये क्या होंगे, प्रति माह होंगे और ये प्रति वर्ष दिए जाएंगे। और ये जो नाता जो और चली गई और विधवा जो है उनके बच्चों के लिए, देखो यहाँ पे लिखा गया है कि विधवा, तलाकशुदा और विशेष योग्यजन के बच्चे इस योजना में आएंगे। और यहाँ पे दे रखा है कि नाता जो औरत चली जाती है उसके बच्चे इसमें शामिल नहीं होंगे, क्योंकि वो छोड़ के चली जाती है तो उसके बच्चे इसमें शामिल नहीं होंगे। आगे की इसमें 4 विभाग हो गए, टोटल विभाग 15 है, तो अपने पास 11 विभाग बचे हैं, उनकी करीबन करीबन सबकी योजनाएं एक एक हैं, बस 2 विभाग है उनकी 2-2 योजनाएं हैं, तो हमारे पास 11 विभाग हैं और बच गए, और योजनाएं जो हैं वो टोटल हमारी हो गई 6 + 2 + 6, 14 योजनाएं हो गई। तो हमारे पास 14 योजनाएं बची हैं और 11 विभाग बचे हैं, वो अगली क्लास में आपको मिलेंगे।